भाई तड़ाव्या फूल ठंडी होवाने कारणे दूजी रहिया छे अत्यारे ने आ छे अमारा संदीप भाई तड़ाव्या। हेलो बोलो संदीप भाई। आ छे अमारा किशन भाई। हेलो किशन भाई आकोया। अर्चक भाई सेलरिया। हाय अक्षित भाई। जेनिस भाई। ओ जेनिस भाई ई वात तो अमारी हेलो। ओए जेनिस भाई આ છે અમારા બારનું વ્યૂ છે જે અમે જેસલમેર ભૂગવા આવી રહ્યા છીએ। અમે થોડીક ક્ષણોમાં ભૂગી જશું અને પછી ત્યાંનું તમને વ્યૂ બતાવશું અમે। હાય ગાઈઝ, અમે અત્યારે હોટલ પર છીએ અને કમ્પ્લેટ તૈયાર થઈને નાસ્તો કરીને અમે જેસલમેર તરફ ફરવા માટે જઈશું અને આ છે અમારી હોટલ જેનો વ્યૂ આ છે, જોઈ લો। તમને હોટલ ગમી હોય તો એક લાઈક અને કમેન્ટ કરો અને શેર કરો। जब युद्ध होते थे तो चारों गेटों को बंद कर देते थे। दुश्मन को एक से पहले गेट से दूसरा गेट दिखता नहीं है क्योंकि सामने बिल्कुल दीवार है। देखो दीवार के पास छिपके गेट बनाया गया, छिपा कर बनाया गया, जिसका नाम है सूरज गेट, जो सबसे पहले बनाया गया था। उसके बाद में गणेश गेट, उसके बाद में हवा गेट, ये चार गेट है। और इस किले को लिविंग फोर्ट बोलते हैं। लिविंग किले के अंदर आज की तारीख में 4,000 लोग रहते हैं। किले के अंदर 4,000 लोग रहते हैं। 500 मकान है, 200 दुकान है, 50 होटल हैं। देखो सामने ये लोगों घर है, ये लोगों के घर है, होटल है, रेस्टोरेंट के अंदर ये है। वो देखेंगे और किस तरह लिविंग फोर्ट है, लोगों का लाइफ स्टाइल कैसे रहते हैं। किले को बनाने में चूना पानी सीमेंट किसी का यूज़ नहीं किया गया, बिना चूना बिना पानी बिना सीमेंट के बनाया गया, ठीक है ना। सब लोग साथ में चलेंगे, भीड़ है तो लेफ्ट में चलेंगे। आइए फटाफट यार घूम के घूम। उसके बाद में आएगा गणेश के। आइए
विंड गेट, एयर गेट, जहाँ पे 24 घंटे 12 महीने हवाएं चलती रहती है, उसको हवा प्रोड बोलते हैं ना, हवा प्रोड। यहाँ पे इसको बनाया भी गया ऐसे उत्तर से दक्षिण की तरफ, इधर दक्षिण है इधर उत्तर है। तो गर्मी के मौसम, अभी तो क्या सर्दी का मौसम, आपको हवा का फील होगा, लेकिन गर्मी में भी यहाँ का हवा का फील होता है, इसको हवा प्रोड बोलते हैं। हवेली जो राजा को रात तक देते थे, यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, उसका चार्ज है 50 रुपये, मोबाइल कैमरा फ्री, वहाँ से पूरा सिटी का व्यू दिखेगा, ठीक है ना, पूरा सिटी का व्यू दिखेगा और 50 रुपये टिकट है, मोबाइल कैमरा फ्री है। हवेली, ये तस्वीर 100 साल पुरानी है, जो पूरा मतलब यहाँ के किलों की हवेलियों का बनाई जाएगी, ठीक है ना। ज़्यादा पड़ती है, अभी भी पड़ती है, तो पुराने समय में क्या होता था कि गर्मी की कम ज़्यादा करने के लिए लकड़ी के छत बनाते थे, मिट्टी और गोबर का फर्श होता था, तो गर्मी में ठंडा ठंडी गर्म रहेगा। ये इटालियन सिल्वर, इस तरह के रियल सिल्वर होते थे, असली सिल्वर होते थे। तो क्या राजा लोग खाना खाते थे, राजा लोग चांदी के बर्तन में खाना क्यों खाते थे, वो असली खाते थे क्योंकि राजा के दुश्मन घर वाले ज्यादा होते थे, राजा को जहर देके मार दिया जाता था, तो चांदी के कलर में, चांदी का अगर बर्तन में कोई खाना होगा उसमें कोई जहर होगा तो चांदी का कलर ग्रीन हो जाएगा। समुद्र ये पत्थर नहीं है पूरा, इसका पूरा जो है पता होता चलता है कि आज से 18 करोड़ साल पहले जैसलमेर समुद्र था। क्लाइमेट चेंज होगा, पूरा डेजर्ट बन गया, तो समुद्र में पेड़ पौधे थे, वनस्पति घास फूस पत्तियां सब पत्थरों में तब्दील होगा, इसको फॉसिल पत्थर कहते हैं। इसके टुकड़े को दूध में रखोगे ऑटोमेटिकली जम जाएगा, ऑटोमेटिकली जमा जाएगा। दूसरा इसका यूज बताया जाए मेडिसिन में,
इसमें पानी भर के रखेंगे उसका पानी रात भर रहेगा और मॉर्निंग में उसका पानी पीते हैं तो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। परफ्यूम पहले जमाने में जैसलमेर से व्यापारिक केंद्र चलता था, जब हमारे इंडिया में बॉम्बे पोर्ट नहीं था, समुद्री मार्ग बंद था, तो ऑल ओवर इंडिया का जो बिजनेस था वो पाकिस्तान के रास्ते से पहले पाकिस्तान में नहीं गिरी, कराची, काबुल, कंधार, इस्तांबुल, इस्तांबुल तुर्की की राजधानी है, वहाँ से लेकर के चाइना, नेपाल, भूटान, ये सिल्क रूट पे आता था। तो यहाँ से जैसलमेर से देखो अफीम रायपुर कपड़े गर्म मसाले लेके जाते थे, चांदी वगैरह ये भी है बाहर से लेके आते थे। चांदी की रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन और मूवी कैमरा, ये मैसेंजर बॉक्स है, मैसेंजर वो लकड़ी में बिट के किले के बाहर रहते हैं मंदिर पैलेस, जवाहर पैलेस। जब अपन हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे ना यहाँ, तो वहाँ से आपको महल दिखाएंगे। ये कोई मतलब यहाँ का ड्रेस नहीं है, अंग्रेजों के जमाने का ड्रेस है, वो ड्रेस में फोटो खिलाया है, कुछ नहीं है। ये सुपारी काटने के लिए, अफीम काटने के लिए, ड्राई फ्रूट काटने के लिए, ये बात से बोलते हैं, एक से, दो से, पांच से। ये है चाबियां, ये ताले, ये पुराना लेकर, और ये हवेली, और ये जैन टेम्पल। ये राजा थे जिनका हाल का 7.5 साल।